नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। इटारसी शहीद भगत सिंह नगर नाला मोहल्ला इटारसी वार्ड नंबर 22 के रहवासी के घरों के सामने से नालियों का पानी निकासी अवरुद्ध होने के कारण बाहर रोड पर निकल रहा है एवं वह पानी रोड से घरों के अंदर तक जा रहा है और नालियों का निकास जगह जगह से बंद है, जिससे वहां रहने वाले रहवासियों को गंदगी अस्वच्छता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उसमें रोष व्याप्त है। इस कोरोना संक्रमण काल में यहां की स्थिति बद से बदतर है, जिससे यहां गंभीर बीमारी फैलने का डर है। यह विकराल स्थिति विगत 2 वर्षों से बनी हुई है। यहां के लोगों ने कई बार शिकायत नगर पालिका के स्वच्छता के अमले को की, किंतु समस्या जस की तस वैसी ही बनी हुई है। पेयजल पाइपलाइन बिछी हुई है, किंतु समतलीकरण ना होने से पेयजल की आपूर्ति कई घरों में नहीं हो पा रही। स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर शासन को शीघ्र कार्रवाई करने की अपील वार्ड वासियों ने की है। बीच उपस्थित हैं वार्ड नंबर 22 के रहवासी श्री विजय राव जी, जो ये बताएंगे कि ये जो समस्या है नाली से संबंधित और अस्वच्छता से संबंधित है, ये विगत कितने दिनों से चली आ रही है और इसके लिए इन्होंने अभी तक क्या प्रयास किए हैं। जी जी, हमारे इधर जो नाली की जो समस्या है, गदवत 6 से 8 महीने हो गए हैं और प्रशासन हमारी कोई नहीं सुन रहा है, ना ही मुकदम सुन रहा है और सफाई कर्मी भी नहीं सुन रहे हैं। अब हमारे दिवाली का जो त्यौहार है, साल भर का त्यौहार है, उस त्यौहार को देखते हुए पूरी नाली के गंदगी से हम गुजर रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कोरोना काल को हमें मुक्त करना है और दूसरी तरफ हमको गंदगी से हमको मतलब सामना करना पड़ रहा है। और उसी बीच माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं स्वच्छता अभियान बनाए रखें, प्रशासन ही नहीं सुन रहा, हम किसके पास जाएँ। हमारे पूरे वार्ड के, हमारे पूरे मोहल्ले के लोग परेशान हैं, पर हमारी और कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक तरफ बोल रहे हैं कि हंसते रहिए और स्वच्छता अभियान का बिल्कुल सहयोग करें, उनके प्रशासन अगर नहीं सुन रहे तो अब हम किसके पास जाए बताइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये मीडिया से बोलते रहते हैं कि हमको स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अगर नगर पालिका अगर हमारी नहीं सुनेंगे तो हमारी आवाज़ हम कहाँ जाएंगे बताइए। इस तरीके से हमारे को गंदगी का सामना करना पड़ रहा है और हमारी कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आप बताइए कि हम क्या करें, किसके पास जाइए बताइए। इसके पहले आपने कोई आवेदन दिया था शासन प्रशासन को? आवेदन दिया था, उन आवेदन देने के बाद में भी हमारे ऊपर हमारे मोहल्ले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और एक ड्रम ला के उनने पटक दिए, बोले हम कर देंगे, आश्वासन देते हैं, करते कोई नहीं है। अब आप बताइए कि हम कौन से शिकायत करें, प्रशासन ही नहीं सुन रहा तो हम किससे बोलिए बताएं। शासन प्रशासन द्वारा कोई किसी प्रकार से नहीं सुना जा रहा, किसी प्रकार से नहीं सुनवाई हो रही इसमें। तो पानी ज्यादा गिरेगा तो वो दरवाजे पे जाके लग जाता है, पानी भरा जाता है, ये देखो पूरी कीचड़ हो रही है रोड पे, पूरा पानी आ रही है इधर से उधर तक, देखो पूरा जा रहा है। क्या उनसे बोला वहां पुलिया डाल दो, वो तक नहीं डला रही पुलिया, सबसे तो डला रही है, निकल नहीं सकते छोटे छोटे बच्चे, यहां पर बाहर घरों के खेल नहीं सकते। तो कि पाइपलाइन की जो समस्या है, पाइपलाइन बीच में से अवरुद्ध हो चुकी है और उनके पास पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है, पीने का पानी इस वार्ड में नहीं मिल रहा है, उसके बारे में बताना चाहेंगी। ये समस्या कब से है? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए तो अच्छा, तो ये आप कब से, यानी 2-3 साल से परेशान है? तो फिर व्यवस्था कैसे करते हो आप पानी की? अच्छा, दुकान से लेकर आते हो पानी दूर दूर से? मतलब वार्ड नंबर 22 भगत सिंह नगर की ये जो कहानी है वो इस प्रकार से हो गई है कि इस रात की सुबह नहीं, यह लोग इस गंभीर समस्या से निजात पाएं और साथ ही ये लोग स्वच्छता में रह सकें और स्वस्थ रह सकें। वार्ड नंबर 22 शहीद भगत सिंह नगर नाला मोहल्ला से डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा, समय जगत के लिए। खबर समय जगत के लिए इटारसी से डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.